डायरेक्टोरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के इस तालीमी प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करता हूँ। आज के इस प्रोग्राम में हम एक अहम चीज़ के बारे में समझने जा रहे हैं, तारीख क्या है, तारीख नवीसी क्या होती है, तारीख पढ़ने की अहमियत क्या है, तारीख की हकायक क्या हैं, मुआरिख, मुआरिख की जहनियत वगैरह चीज़ों के बीच में क्या रिश्ता होता है वगैरह चीज़ों को हम इसमें समझेंगे। इन चीज़ों को आपके सामने बताने के लिए हमारे बीच एक मशहूर मुआरिख प्रोफेसर मुश्ताक अहमद काव साहब, जो शोएब तारीख मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हमारे बीच हैं, जिन्होंने बहुत काम ना सिर्फ तारीख में किया बल्कि सेंट्रल एशिया में इनका बड़ा काम है और पूरी दुनिया इनके किरदार से, इनके कंट्रीब्यूशन से इनको जानती है। मुश्ताक अहमद काव साहब, हम आपका खैर मकदम करते हैं इस तालीमी प्रोग्राम में। शुक्रिया। तारीख क्या होती है और तारीख नवीसी क्या होती है, क्या इन दोनों में कोई फ़र्क है? ये तारीख और तारीख नवीसी जो है, ये दो अलग चीज़ें हैं, हालांकि दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। जी हैं, अलग तो है लेकिन जुड़े हुए हैं। जनरली जो है वो तारीख हम कहते हैं उस चीज़ को जो माजी में गुजरी हुई कोई चीज़ है, जैसे कोई बादशाह, जैसे कोई तहजीब, जैसे कोई समाज, जैसे कोई कम्युनिटी, यानी कि आज से पहले की जो चीज़ें आ जाती है। एक इंजाद हमने बात की इब्तिदाई इंसान की, इब्तिदाई समाज की, उसके बाद उसी इब्तिदाई समाज में वक्तन फ़ौक्तन क्या तब्दीलियाँ आ गई, हमारे बुज़ुर्गों की कहानी, हमारे रीति रिवायों की कहानी है, हमारे बादशाहों की कहानियाँ हैं, हमारे प्रिंसेस और क्वीन्स की कहानी है, हमारे समाज की कहानी है। ये हिस्ट्री है, उसको हम कहते हैं हिस्ट्री इज़ द रिकॉर्ड ऑफ पास्ट। पास्ट यही है जो पीछे गुजर गया है, हमारे दादाओं परदा वही है। अब उस पास्ट को कलमबंद करना, यानी कि उसको लिखना, वो आर्ट ऑफ राइटिंग, हिस्ट्री राइटिंग है, उसी को हम तारीख नवीसी कहते हैं। तो गोया कि अलग है लेकिन जुड़ी हुई दोनों चीज़ें हैं। तो तारीख वो चीज़ है जो माजी से लेके आज तक जो तब्दीलियां होती आई हैं उनको नापता है। जी। तो हिस्ट्री इज द बैरोमीटर ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस, कि एक जमाने से लेके दूसरे जमाने तक क्या क्या तब्दीलियां हुई हैं उसको नापने वाला एक स्केल जैसे हम तारीख को देख सकते हैं। जी जी, सही कहा आपने। वही तो इसीलिए है कि अगर हम इंसानी तहजीब का शुरुआत को देखें, फिर शुरुआत से आज तक ये मुख्तलिफ मरहलों से गुजरा है। जी। ये सिलसिला जो है ये मुख्तलिफ मरहलों से गुजरा है और हर एक मरहला बज़ाहिर खुद एक ट्रांजिशन भी है, एक चेंज भी है। इसलिए जो आज का जो दौर है ये एक तरक्की का दौर हम कहते हैं, लेकिन इस तरक्की के दौर को देखना है वहाँ से जहाँ से इसकी शुरुआत हो गई है। इसलिए तारीख नवीसी या तारीख इतना ही नहीं है कि हम क्या करेंगे कि खाली देखेंगे पीछे क्या हमारे आबा अजदाद क्या थे, बल्कि उनके साथ साथ वक्त के साथ साथ उनमें तब्दीली जो आई है वो तब्दीली भी एक तारीख का हिस्सा है। उसका मुताला करना, उसको जांचना, उसके बारे में अपने जो जजमेंट है उसको कहना, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती। तारीख पढ़ने से फ़ायदा क्या है? जी, तारीख पढ़ाने से फ़ायदा क्या है? जैसे IT सेक्टर आप देखेंगे या साइंसेस आप देखेंगे, उनसे मुकाबले में कहते हैं कि क्या फ़ायदा है तारीख पढ़ने से, या हाल में तारीख की क्या अहमियत जी है? तो आपका मतलब यह है कि ये जो तारीख है इसकी रेलिवेंस क्या है, क्या आज की 21st सेंचुरी में रेलिवेंस क्या है? क्योंकि ये सवाल जो है, ये सवाल तो अक्सर हमें जो बच्चे नए एडमिशन ले रहे हैं वो भी ये सवाल हमसे करते हैं, हम तो आए हैं एडमिशन लेने के लिए लेकिन सर बता दीजिए हमें फ़ायदा क्या है? क्योंकि यहाँ से तो IT का सेक्टर ग्रूम कर रहा है, यहाँ से बिजनेस का सेक्टर ग्रूम कर रहा है, तो हमारी ऐसा लग रहा है कि शायद ये इरेलीवेंट चीज़ है, हमें कुछ नहीं है। उधर से हम देखते हैं IT में वहाँ पर प्रोग्रेस है, वहाँ पर डेवलपमेंट है ना, काफ़ी डिमांड है, लेकिन हिस्ट्री में कोई डिमांड नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। असल हकीकत यह है कि ये जो
तरक्की की बात हम बात कर रहे हैं, ये आईटी वाला जो सिलसिला है, ये तरक्की ये न रहने वाली तरक्की है। इसके बारे में जो पोस्ट मॉडर्निस्ट्स है, जो कल्चरल इम्पीरियलिस्ट्स है, उनका ये कौल है कि ये तरक्की जो है एक डिसइल्यूजन्ड प्रोग्रेस है, क्योंकि उनके जहन में ये चीज़ है कि ये तरक्की तो है लेकिन इस तरक्की के पीछे इसका अंत जो है वो न्यूक्लियर कैटास्ट्रॉफी के है तौर पे। लेकिन इसमें क्या है, इसमें इखलाक नहीं है, इसमें आदाब नहीं है, इसमें जो कंज्यूमरिज्म का तस्वर आ गया है इसमें चीटिंग है। और यहाँ पे हम बच्चे को सिखा रहे हैं कि कोई भी प्रोडक्ट है, किसी कंपनी का प्रोडक्ट है, इसकी कीमत अगर 10 रुपये, आप इसको ऐसे पेश करो कि ये दिखे कि 1000 रुपये की चीज़ है। यानी कि इसमें फितरतन ये है कि आज की जो तरक्की और कंज्यूमरिज्म आज का जो है, जिस पे हम कह रहे हैं कि आईटी है, ग्रूम कर रहा है, लेकिन इखलाकियात और मॉरलिटी का तस्वर इसमें नहीं है। जबकि हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री में इखलाकियात और मॉरलिटी का तस्वर है। भाई अगर आपने कोई चीज़, फॉर इंस्टेंस अगर हम इस्लाम में देखेंगे, इस्लाम में रिवायत यह है कि अगर कोई चीज़ आप किसी को बेचना चाहेंगे, आप उसको पहले इस चीज़ के नकायस के बारे में बोल दो, तो लेट यू प्रेजेंट ए वेरी फियर पिक्चर अबाउट इट। हिस्ट्री हमें ये चीज़ बता देती है कि आज का इंसान जो है उसको किस तरीके से अपने आप को तवारीख के जो लेसन्स है उससे, लेसन्स जो हालात जो गुजर गए उनसे तजुर्बा कैसे हल किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर आज के दौर में तरक्की इतनी जा रही है, हम पीछे देखते नहीं है। अब पीछे देखने में क्या हो जाता है, हम भूल जाते हैं हम क्या है या हमारे आबो अजदाद क्या है, उनने क्या किया क्या नहीं है। लेकिन हम दूसरी तरफ से देख रहे हैं कि हमारी तरक्की के साथ साथ हमारी कदरें जो है, जो बुज़ुर्गों का एहतराम है, जो बुज़ुर्गों ने हमें दिया है, हम क्या है उसके बारे में कोई इल्म नहीं है। अगर मिसाल के तौर पर हम तारीख नहीं पढ़ेंगे, सबसे पहला इशू हमारे पास ये होगा, हम कौन हैं, हम आए कहाँ से, हमारे दादा परदादे कौन थे। इसलिए तो हमारा ज़ात जो है एक आइसोलेशन में नहीं है, हमने इसको एक कंटिन्यूटी में देखना है कि मेरे से पहले मेरे बाप था, उससे पहले उसका बाप था, उससे पहले उसका बाप था, तो हमने पीछे जाना ताकि हम जाने क्योंकि हम क्या है। इसलिए हम अपने आप को तब तक नहीं जान सकते जब तक हम पीछे देखें, नंबर वन। नंबर टू है, जैसे हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हम कहते हैं हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं। अब मान लो कि हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं, क्या हम ज्योग्राफिकली हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं? भाई कैसे हम कहेंगे हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं जब तक ना हमें हिंदुस्तान की तारीख का मुताला हो, इसमें तरक्की कैसे आ गई, इसमें कौन से पड़ाव आ गए, इसमें कौन से स्टेजेस आ गए, तो हम कह सकते हैं हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं। जब तक ना हम हिंदुस्तान की तारीख, इस तारीख का हर एक मरहला जो है उसके बारे में कोई इल्म नहीं हो। तीसरा पॉइंट जो हम कह रहे हैं कि जैसे कुरान में लिखा गया है कि मैंने कौमों को पीटा भी, मारा भी, ख़त्म भी किया, नई कौमों को जन्म दे दिया है। अब सवाल यह है कि यह हिस्ट्री है, कुरान जो है एक होली बुक है मुसलमानों के लिए, लेकिन यह एक हिस्ट्री भी है क्योंकि इस हिस्ट्री में उन्होंने मुख्तिल कौमी लूत, कौमी समूद, कौमी फिरावन, बहुत सारे कौमों का जिक्र किया है। तो उसमें अल्लाह मियां ने यह कहा है कि चूंकि ये कौमें जो है गलतियां करते आए हैं, इन गलतियों की वजह से इनको सज़ा मिली, मिट गए, मैंने दूसरी कौमों को जन्म में लाया। इसमें एक हमें लेसन मिलता है कि हमें अपने आप को, अपने समाज को किस तरह से सुधारना है, नहीं तो हमारा हाल भी वही हो जाएगा जो कौमी लूत और कौमी समूद के साथ हो जाएगा। ये तो कुरान के तनाजुर में। अब मॉडर्न इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट के तनाजुर में हम देख लेंगे, यहाँ पे जो जंग अजीम फर्स्ट हुई, जंग अजीम सेकंड हो गई है, अब हम सारे डर रहे हैं कहीं जंग अजीम तीसरा ना हो जाए, कि क्योंकि क्यों हम डर रहे हैं, हम इसलिए डर रहे हैं क्योंकि हमने जंग अजीम अव्वल का बुरे नसरात देखे, दूसरी जंग अजीम के बुरे असरात देखे, और आज की डेवलपमेंट जो लेटेस्ट डेवलपमेंट इस वक्त साउथ चाइना सी में है, जो नॉर्थ कोरिया ने मिज़ाइल्स दाग दिए है, कल तो उसने जापान को भी थ्रेटन किया है। अब जापान वाले क्यों डर रहे हैं इस चीज़ से, अगर पहली चीज़ होती वो डरते नहीं, क्योंकि हिरोशिमा और नागासाकी का वाकया उनके साथ पेश आया है, उनको पता है कि न्यूक्लियर ब्लास्ट की वजह से कितने लाखों लोग वहाँ पे मर गए, और इसलिए ये परेशान है। जो नॉर्थ कोरिया ने कल मिज़ाइल टेस्टिंग किया है जापान को तराने के लिए, वो परेशान है। इसलिए जापान के लोग इसलिए परेशान है क्योंकि माजी की तलखियां, माजी का जो उनका तजुर्बा है ये यही है। इसलिए जब तक ना हम बच्चों को इन चीज़ों के बारे में बता देंगे, बच्चे कैसे अलर्ट हो जाएगा। इन अ वे हिस्ट्री पढ़ा के हम उनको रेगुलेट कर रहे हैं,
देखिए जो हिस्ट्री पढ़ा कि हम उनको रेगुलेट कंडक्ट कर रहे हैं, नहीं तो वो जाहिल गवार, उनमें एथिक्स नहीं रहेगा, उनमें मॉरलिटी नहीं रहेगी, उनमें कुछ नहीं रहेगा। तो आप ये कहना चाहते हैं कि तारीख पढ़ने से अखलाक बढ़ेगी, जो बाबा ये तारीख हेरोडोटस ने कहा था। तारीख पढ़ने से हमें ये भी पता चलेगा कि जो माजी में आपने गलतियां की हैं उसको रिपीट करने से एक रोक आपके ऊपर लगेगा। सही है। और हिंदुस्तानी पसमंजर में अगर एक आप हिंदुस्तानी एक कौमियत की जहनीत पैदा करने में भी तारीख पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है। सर आप ये बताइए कि मुवारिक तारीख किस बुनियाद पर लिखते हैं? मौरिक जो तारीख लिखता है उसको हम बोलते हैं कि हिस्टोरिकल फैक्ट्स। जी, हिस्टोरिकल फैक्ट्स है, तारीखी हकायक। हकायक क्या है, जैसे जो भी वाकात पीछे पेश आए हैं। जी, कालिंगा की जंग जो था, जंग एजीम था, पानीपत की पहली लड़ाई थी, या बैटल ऑफ प्लासी था, बैटल ऑफ बक्सर था, ये हकायक हमारे सामने पेश है। अब कहीं पर यह सवाल किया जाता है कि क्या तारीख दान का काम इतना ही कि हकायक को जाना है या उसके आगे भी कुछ जाना है? तो इस सिलसिले में ईएच कार जो ये किताब व्हाट इज हिस्ट्री, व्हाट इज हिस्ट्री में ये लिखते हैं, बड़े मौरिक गुजरे हैं। तो ये लिखते हैं कि हिस्ट्री इज नॉट सिंपली नोइंग द फैक्ट्स, बट हिस्ट्री इज टू गिव अ थॉट बिहाइंड द फैक्ट्स। वो ये चीज नहीं कहता, जैसे मैं मिसाल आपको बता दूंगा क्या है। जैसे हमने बहुत बार सुना है कि आदम और ईव, उनको इस दुनिया में भेजा गया है सजा के तौर पे, नहीं तो वो जन्नत में थे, है ना। सजा के तौर पे आदम और ईव को दुनिया में भेजा सजा, क्योंकि एक मखसूस फल उन्होंने खाया था जिसके लिए उनको पाबंदी थी, ये खाओगे तो आप मतलब पूरा जिस्म जो है नंगा हो जाएगा। लेकिन उन्होंने ये फल खाया, ये तो हिस्टोरिकल फैक्ट। सेब खाया हाँ, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। अब क्या हिस्टोरियन का काम बस यही पे एंड करना है? नहीं, मेरे लिहाज से इस हिस्टोरियन को इसके आगे जाने है। देखें क्या सवाल क्या है, अगर फॉरेनस्टानस उसने आदम और ईव और आदम ने गलती नहीं की होती तो ये दुनिया है, इस दुनिया में कोई नस्ल ही नहीं होती। इसके पीछे थॉट ये है कि अगर उन्होंने गलती नहीं की होती तो शायद हम नहीं होते, जमीन होती लेकिन लोग नहीं होते। इसलिए ये जो है खाली फैक्ट्स को देखना है, एक हिस्टोरियन का काम है इन फैक्ट्स को अपनी जजमेंट भी देना, उसके पीछे देखना, इंटरप्रेट करना, उसके पीछे देखना फिलॉसफी क्या है, उसके पीछे एक थॉट क्या है। तारीखी हकायक को जब ये तर्जुमानी अपना इंटरप्रिटेशन वो देते हैं, क्या इनकी आइडियोलॉजी यानी इनकी जहनीयत, इनकी सोच और फिक्र किस तरह उनको मुतासिर करती है? यानी मुवारिक तारीखी हकायक और एक मुवारिक की जाने अनजाने सियासी फिक्र तारीखी हकायक को चुनने में और उनका तर्जुमानी या उनके इंटरप्रिटेशन देने में किस तरह उनको मुतासिर करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे 1857 के गदर को वीर सावरकर जी ने हिंदुस्तान का पहली जंगे आज़ादी कहा, लेकिन अंग्रेजों ने उसको सिर्फ सिपाहियों का गदर कहा। तो इस तरह क्या आप चंद मिसाल हमारे तलबा व तालिबात के सामने पेश कर सकते हैं? जी, क्योंकि हिस्टोरियन जब लिखते हैं तो उसके सामने जो मवाद होता है वो फैक्ट्स होते हैं। जी, है ना। आपने सही फरमाया कि अब इस फैक्ट को हम किस नज़रिए से हम पेश करेंगे। जी, जो हम इस फैक्ट को पेश करते हैं क्या हमारी ज़ाती इंटरेस्ट इसमें मत है? अगर मैंने अपना कलम उठाया और फिर मैंने हिंदुओं के खिलाफ रहा जी, तो वो तारीख नवीसी नहीं है। इसी तरह से अगर किसी हिंदी मौरिक ने कलम उठाया जी, तो मुसलमानों के खिलाफ लिखा जी, जिसको सपोर्ट हिस्टोरिकल फैक्ट्स नहीं करते हैं, है ना, तो वो हिस्ट्री नहीं है। जैसे एट वन पीरियड ऑफ टाइम यू नो इट कि जादुनाथ सरकार ने लिखा था कि औरंगजेब के बारे में लिखा था, ही वॉज एंटी हिंदू। जब बिगनिंग में हमने उसकी किताब पढ़ी हमें भी था कि वो एंटी हिंदू था, वो था, ये था,
لیکن پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ریسرچ ہوئی، جو تحقیق ہوئی، اس نے ثابت کر دیا ہے کہ ہم اورنگزیب کو ایک بادشاہ کی حیثیت سے لے لے، نہ کہ ہم مسلمان کی حیثیت سے۔ جی اورنگزیب کی حیثیت جو ہے اس میں دو پرسنالٹیز ہیں۔ جی ایک پرسنالٹی اس کی ذاتی ہے، یہ مان لو کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے وہ نماز بھی پڑھتا ہوگا، بیڈز بھی پھیرتا ہوگا، تسبیح کرتا ہو، جو بھی کرتا ہے، وہ اٹ از اے لائف بٹوین ہیم اینڈ گاڈ۔ جی لیکن ہم نے اورنگزیب کو ایک بادشاہ کی حیثیت سے دیکھنا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے۔ پھر بعد میں جو ہمارے ہسٹوریکل فیکٹس آ گئے، جیسے کچھ ریونیو ڈاکومنٹس آ گئے، کچھ سیل ڈیڈس آ گئے، اور ہمیں لگا کہ جیسے اورنگزیب نے وقف گرانٹس مسلم اداروں کو دے دیے، انہوں نے یہ وقف گرانٹ جو ہے ہندو اداروں کو بھی دے دیا۔ ہاں مجھے یاد آ رہا ہے کہ سر کہ یہ وشمبر ناتھ پانڈے، ہاں انہوں نے ایسے ایسے چیزوں کو باہر نکالا کہ متھرا ورنداون جو اتر پردیش میں آج ہیں، وہاں کے مندروں کو اورنگزیب نے ایگزیکٹلی بہت سارے لینڈ گرانٹس دیے۔ ایگزیکٹلی اورنگزیب نے، اسی طرح بہت سارے بادشاہ جو مسلمان بھی ہیں انہوں نے بہت سارے ہندو مندروں کو ڈونیشنز دیے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تاریخ کو توڑ مروڑ کے پیش کرنا ایک مورخ کا کام نہیں ہونا چاہیے، ان کو آبجیکٹیو ہونا چاہیے، اپنے ذہنیت کے حساب سے تاریخی حقائق کو توڑ مروڑ کے پیش کرنا ایک مورخ کے پیشے کے خلاف ہے۔ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ ہاں ہاں ایگزیکٹلی ہم یہی کہنا چاہتے ہیں، بلکہ ہم اس کو تھوڑا ایڈ کریں گے اور یہ کہتے ہوئے ہے کہ ایک وقت ایسا تھا جس میں تاریخ نویسی کا جو فوکس تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے بادشاہوں کی ہسٹری کو مطلب اجاگر کرنا ہے نا، پیلسز، بادشاہ، کنگس، وارز، یہی کرنا ہے۔ تو اس میں جو کارلائل جو تھا، گزرا ہوا ایک مفکر تھا، اس نے لکھا ہے کہ ہسٹری کچھ نہیں ہے، ہسٹری از دا بایوگرافی آف گریٹ مین۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر، کیونکہ اس کے ذہن میں کیا تھا، اس کے ذہن میں نیپولین تھا، اس کے ذہن میں ہٹلر تھا، اس کے ذہن میں بسمارک تھا، اس کے ذہن میں اور لوگ تھے، اس کو لگا کہ یہ جو جیسے جرمنی جس نے بنایا وہ تو ہٹلر ہی تھا، جرمنی کو بنایا، بسمارک نے بنایا یا نیپولین کو بنایا اس نے بنایا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ریئل ہسٹری ہے، ریئل ہسٹری فیو لوگوں پہ بنائی نہیں جا سکتی ہے، چند لوگوں کی تاریخ سے نہیں بنا سکتی ہے، بلکہ لارج لوگوں کی، اس کو ہم بولتے ہیں ملینز اینڈ ملینز آف پیپل، جو لینن اور مارکسزم میں بتایا گیا ہے کہ ہسٹری از ناٹ دا ہسٹری آف فیو، اٹ از دا ہسٹری آف ملینز اینڈ ملینز آف پیپل۔ یہ جاگیردار کی ہسٹری نہیں ہے، یہ جو انڈسٹریل مینوفیکچرر ہے اس کی نہیں ہے، بلکہ ہسٹری لیبر کی ہسٹری ہے، ہسٹری پیزنٹ کی ہسٹری ہے، اس لیے کیونکہ وہ ان کی تعداد ملینز اینڈ ملینز میں ہے۔ یہ بھی ایک تصور اس میں کیا سر ہے؟ تاریخ صرف شہنشاہوں کی تاریخ نہیں ہے، زمیندار اور جاگیرداروں کی تاریخ نہیں ہے، تاریخ اصلی تاریخ بنانے والے عام لوگ ہوتے ہیں۔ جیسے مارکسی فلسفی کا یا اس کا لوگ اس پہ متاثر ہو رہے تھے، تو تیلگو میں بھی ایک بہت بڑے شاعر ہوا کرتے تھے جن کا نام شری رنگم شری نواس راؤ ہے۔ جی جی انہوں نے اپنی شاعری دیش چریترلو، مطلب قوموں کے تاریخ، ایک بہت ایسی شاعری انہوں نے لکھا ہے، اس رانی کی پریم کہانی، اس گھاوے کو خرچ ہوا دھن، مطلب یہ سب کیفیتوں بھی، اتہاسوں کے سارے یہ نہیں، اتہاسوں کے اندھکار میں دبی پڑی سب کہانیاں، جو چاہیے ابھی، چاہیے ابھی، چھپاؤ سے سچ چھپتا نہ کبھی، نیل ندی کے ناگرتا میں سادھارن جن جیون کیسا، تاج محل کے بنوانے میں پتھر ڈھوتے کلی کون تھے۔ ہم نارملی کہتے ہیں کہ شاہجہاں نے تاج محل بنایا، جی لیکن ہمیں کہنا چاہیے تاج محل کو شاہجہاں نے بنوایا لیکن بچوں کو ہم سوال پوچھتے ہیں تاج محل کس نے بنایا، ایز اف خود شاہجہاں نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ جی 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 لیکن سوال کیسا پوچھنا چاہیے تھا، تاج محل کو بنوایا کس نے؟ صحیح بات ہے، صحیح بات ہے۔
یہاں یہ پوچھ سے شاعر کہہ رہے ہیں ہمیں پوچھنا چاہیے تاج محل کے بنوانے میں پتھر ڈھوتے کلی کون تھے, سامراجیوں کی چڑھائیوں میں سادے نر کا ساہس کیسا, نہ وہ ڈولی گنتی کی تھی چڑھ بیٹھا جس پر راجا, اس کے واہک کلی کون تھے. اس ڈولی پہ راجا بیٹھ کے جا رہا تھا, اٹھانے والے کون تھے, اٹھانے والے کون تھے. صحیح بات ہے, صحیح بات. تو اب تاریخ کا اپروچ, گریٹ مین تھیری, شہنشاہ, بادشاہ, ان کی رانیاں, ان کی بیگم اور ان کے پیار کی کہانیاں, اس سے رخ بدلتے بدلتے عام لوگوں کے اور یہ بدلتا جا رہا ہے. سر اب ہم آپ سے یہ بات پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا ایک مورخ 100% آبجیکٹیو ہو سکتے ہیں؟ یہ پاسبل نہیں ہے. کیوں سر؟ یہ پاسبل اس لیے نہیں ہے, تو ایک کوشش کرتا ہے ہر ایک انسان. دیکھیے پہلے ہم نے ایک مورخ اور کرونیکلر کے درمیان ایک فرق نکالا ہے, ہے نا. کرونیکلر وہ ہوا اس کو ہم ہسٹورین نہیں بول سکتے. جیسے ہمارے سامنے ابو الفضل کی مثال ہے. ابو الفضل نے بہت بڑے اچھے کارنامے کیے جب اس نے اکبر نامہ لکھا اور آئین اکبری لکھا. لیکن جب ہم اکبر نامہ کو دیکھتے ہیں کہ وہ کورٹ کرونیکلر, کیونکہ اس کی تنخواہ اکبر سے ہی ملتی, اکبر بادشاہ سے ملتی تھی. ظاہر سی بات ہے اس کو وہی لکھنا تھا جو اس کے مالک کو خوش کرے, ہے نا, یہ خوش کرے. تو اس لیے کرونیکلر مالک کو خوش کرنے کے کام تب سے لے کے آج تک جاری ہے, جاری ہے, جاری ہے. لیکن یہ ہسٹری نہیں ہے, یہ ہسٹری نہیں ہے, یہ کیا ہے, یہ فلیٹری ہے. کیونکہ اس فلیٹری کے پیچھے, اس لکھنے کے پیچھے آپ کے ذاتی مفاد ہے, ہے نا, ذاتی مفاد ہے. اب ہسٹورین کیا ہے, ہسٹورین کو ان چیزوں سے ہٹ کے لکھنا ہے, اس کو کوئی انفلوئنس نہیں لینا ہے. جو حقیقت ہے, جو حقیقت ہے وہ کہنی ہے. کیونکہ ہسٹورین جب لکھتا ہے ہندو سوسائٹی پہ لکھتا ہے, اس کو ذہن میں یہ نہیں لکھنا ہے کہ میں مسلمان ہوں. یا اگر کوئی ہسٹورین مسلم سوسائٹی پہ لکھنا ہے, اس کو ذہن میں یہ نہیں رکھنا ہے کہ میں ہندو ہوں. اس لیے اس کو ایک بیلنسڈ اپروچ اپنے پاس رکھنا چاہیے, جس کو ہم کہتے ہیں کس حد تک وہ ایک آبجیکٹیوٹی اس میں لائے. آبجیکٹیو مطلب ہوا کہ کسی بائس کے تحت, کسی پریجڈس کے تحت وہ کسی کے دبا میں نہیں لکھے, کسی کے فیور میں نہیں لکھے, کسی کے انفلوئنس میں نہیں لکھے, کسی مفاد کے لیے لکھے, کسی ویسٹڈ انٹرسٹ کے لکھے. اگر اس میں وہ چیز آ گئی, دین ہی سیزز ٹو بی اے ہسٹورین, ہی کین ناٹ بی اے ہسٹورین ایٹ آل. سر مجھے آپ کے پریزنٹیشن سے مجھے بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر صاحب کا ایک ڈیفینیشن ہسٹورین کا یاد آ رہا ہے. بابا صاحب امبیڈکر نے کہا تھا کہ ایک ہسٹورین کو بالکل نڈر ہونا چاہیے, کسی بھی چیز سے ڈرنا نہیں چاہیے. جی جی. اور سچ کا سچ اور جھوٹ کو جھوٹ بولنا چاہیے, ٹھیک, چاہے کچھ بھی ہو. کیا ہمارے پاس, ہمارے ہسٹورینس, ہمارے مورخ ایسا کام کر پا رہے ہیں؟ اب یہ تو ایک ایسی چیز ہے جس میں شاید میرا ایک ریزرو ججمنٹ ہوگا کہ نیور دلیس اتنا میں اس میں کہوں گا آپ کو, جیسے کسی سوسائٹی میں غلط انسان بھی ہے, کسی سوسائٹی میں صحیح انسان بھی ہے. اور جو بھی کوئی طبقہ ہے, چاہے وہ ہسٹورین کا طبقہ ہے, چاہے پولیٹیشنز کا طبقہ ہے, چاہے بیوروکریسی کا طبقہ ہے, کوئی جنرلائزیشن ہم نہیں کر سکتے ہیں کہ سارے خراب ہے. خراب بھی ہے اور ٹھیک بھی ہے, لیکن کام تو اسی طریقے سے چلتا ہے. تو کوئی ایسا ہے کہ پروفیشنلزم, جیسے ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, اب ڈاکٹر اور انجینئر تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کو پروفیشنلزم ہوگا. ڈاکٹر کبھی پیسہ بنانے کے لیے ڈاکٹری نہیں کرے گا, لیکن جن حالات نے اس کو ڈاکٹر بنا دیا ہے, جن حالات کی وجہ سے اس کو پیسہ دینا, مثال دسویں چیز ہے پیمنٹ سیٹ کے اگینسٹ, جو ڈاکٹر جائے 50 لاکھ روپے دے گا, اب آگے ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اسے پروفیشنلزم, کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں پروفیشنل. تو مطلب, لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ جو غلط ہے ہم غلط کو غلط کہنا ہے, اس میں روکنا نہیں ہے. ہسٹورین جو پروفیشنلزم کی بات آپ کر رہے, ہسٹورین کو کہنا ہے کہ غلط کیا ہے, کہ صحیح کیا ہے, وجہ کیا ہے,
क्योंकि मैंने आपको बताया पहले, मैंने कहा हिस्ट्री इज़ नॉट जस्ट फाइंडिंग द फैक्ट्स, हिस्ट्री इज़ टू गिव अ थॉट बिहाइंड द फैक्ट्स एंड टू एक्सप्लोर द थॉट बिहाइंड द फैक्ट्स। तो सर मुझे एक और स्टेटमेंट याद आ रहा है कि हिस्टोरियन का काम वो है जिस चीज़ को समाज भूलती है उसको हमेशा याद दिलाते रहना चाहिए। सच है, बल्कि इतना ही नहीं है कि हमने हिस्ट्री को कहना है इसलिए कि हमें याद माजी की वो नॉस्टैल्जिया जो है माजी हम याद आएंगे, बल्कि इसलिए है कि ये आपका एक रेगुलेटर है, ये आपको कंडक्ट करता है, ये आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं आपको रोक सकता है, टोक सकता है अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी। इसीलिए शायद हुक्मरान हमेशा हिस्टोरियंस से डरते रहे तारीख में। अब जो पीछे क्या हुआ है, जो गैलीलियो के साथ, आइंस्टाइन के साथ हुआ, जो रेनेसांस के पीरियड में हो गया है, तो चूंकि उन्होंने हकायत की बात कही थी, देखिए तब तक तो जो ये पादरी तबका था वो कह रहा था, उनका नज़रिया जो था रेनेसांस से पहले, नज़रिया ये था कि ज़मीन साकिन है, इसके इर्द गिर्द सारे सितारे घूमते हैं। लेकिन जब गैलीलियो ने खुद दूरबीन से स्टारों की मूवमेंट को देखा, उसने कहा कि जमीन भी एक सितारा है, सारे घूमते हैं सूरज के इर्द गिर्द। अब ये तो पादरियों के खिलाफ एक इनकलाबी एक उस वक्त हो गया, तो उसी वक्त हुक्म हुआ कि सर गर्दन काट दो, क्योंकि इसने ये क्यों कहा है। लेकिन चूंकि गैलीलियो ने कहा मैं सोली पे चढ़ के भी यही कहूँगा कि जमीन के जमीन भी दूसरे सितारों की तरह सूरज के इर्द गिर्द, न कि सूरज जमीन के इर्द गिर्द घूमता है। तो इसलिए जो गैलीलियो ने किया है उसने बात कही है, उनको भी अपने वक्त में इस किस्म की मजामत थी, जो सच बोलता था तलवार उसके खिलाफ बोलती थी। लेकिन गैलीलियो को जो आज की थ्योरी आज हम अंडरस्टैंड करते कि गैलीलियो गलत नहीं था, क्योंकि आज का जो रिसर्च और साइंस का काम है उसने प्रूव कर दिया। और बल्कि हमारा जो कुरान में भी इसको आप देख लेंगे उसमें दिखाते हैं जो ये जो मूवमेंट ऑफ स्टार्स जो है एक मैकनातीसी एक मैकेनिज्म है, जो अट्रैक्शन पुल है, ये इस चीज़ को सारे को रोक, और दिखा रहे कि ज़मीन भी एक सारा है और ये भी एक गर्दिश में है। तो मतलब जो गैलीलियो ने भी कहा था 16, तो इस्लाम में उस चीज़ की कुरान में 1400 साल पहले ही अल्लाह मियाँ ने ये कहा था कि इस तरह से हरकत है। मतलब मेरा यह है कि जो हिस्टोरियन है या जो कोई थिंकर है, जो ये वो है, उसको हकीकत कहना है, भले ही उसको तैयार रहना है कि जिन लोगों को ये हकीकत सूट नहीं करते उनके हाथों तो उसको पीटना है, जैसे गैलीलियो को हुआ था। जी 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 सर, हिस्ट्री इज एन अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन द पास्ट एंड द प्रेजेंट, हाल और माजी के बीच में लगातार होने वाला एक गुफ्तगु ही तारीख है, और ये मुस्तकबिल के लिए हमें एक रोशनी देता है। तो आइंदा क्लास में और एक नए लेसन के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे, और हम प्रोफेसर मुश्ताक अहमद काव साहब, जिन्होंने अपना वैल्यूबल टाइम हमें दिया है और अपने एक्सपर्टाइज से हम लोगों को इतना अच्छा इल्म दिया, उसके लिए हम इनका तहे दिल शुक्रिया अदा करते हैं। आइंदा क्लास में मिलेंगे, तब तक आदाब, शुक्रिया। Thank you.